आपका 8:45 अहमदाबाद पहुंच गया है, सिटी के अंदर ही है इधर। ये तो एक अच्छा लेक दिख रहा है, लेक का दोनों साइड में आपको रोड है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो टाटा पटा, तो रीडिंग है 254 रैन सेकेंड स्पीडोमीटर वाला है। ईश्वर ने ईश्वर से भी हाल लिया। ओटे टाटा, घर के बाहर रोड का काम शुरू हो गया, उसके बाद राइड पे निकल रहा हूँ। आज तारीख है 8 जनवरी 2020 2020 का पहला राइड है मेरा। लास्ट ईयर भी बहुत राइड किया, 2019 बहुत सक्सेसफुल रहा मेरे लिए राइडिंग एंड ड्राइविंग है मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मेरे लिए लाइफ में। राइडिंग ये कभी मेरे पार्ट में था नहीं, हमेशा मेरे पार्ट में था ड्राइविंग, तो कार चलाना उसको मैं ड्राइविंग बोलता हूँ। तो बाद में 2016-17 में ऐसा क्रेज़ लगा कि बाइक लेना चाहिए, राइड करना चाहिए, वैसा राइडिंग ये कंसेप्ट अपने लाइफ में एंटर हुआ। आज एक नया राइड चालू किया हुआ है जो है बदलापुर टू, आज का जो ट्रिप है जर्नी रहेगा बदलापुर टू वलसाड़। अभी रोज से वहाँ पे जाके ज़रा हॉल्ट मारेगा, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे आगे। हम लोग बोलने का आदत हो गया ना, मैं निकल जाऊंगा उसके बाद आगे अहमदाबाद के लिए। आज रात के लिए होटल बुक किया हुआ है अहमदाबाद में जाके आज स्टे करूंगा और एंजॉय करते हैं आज का राइड। ज़रा जीपीएस सेट कर देता हूँ, आज जीपीएस आ गया तो अभी हम निकल सकते हैं। अभी जो वलसाड़ तक का जर्नी है 216 किलोमीटर्स। चलो ये राइड मेरे लिए टेक्निकली थोड़ा अकेला राइड करना बोले ना तो मेरे लिए मैं आई कैन नॉट एक्चुअली बिलीव कि मैं अकेला हिम्मत करके निकल गया हूँ। राइडिंग हमेशा मैं अभी भी राइडिंग है जो चीज़ है, पिछले एक साल डेढ़ साल से मैं किसी ना किसी के साथ ही किया हूँ। कम से कम मेरे साथ कोई ना कोई क्लब होता था या कोई ना कोई साथ में होता था, अकेला तो मैंने कभी करने का कभी चाहा भी नहीं है। लेकिन टाइम एंड डेस्टिनी वेट्स फॉर नन, टाइम ने डिसाइड कर लिया था, डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया था, ऊपर वाले ने बोल दिया जा बेटा जा, अकेला जा ये बार। इसमें एक ये राइड पे एक मेरे लिए प्लस पॉइंट ऐसा है कि मेरे को जो भी टारगेट है वो पर्सनल टारगेट है, मुझे किसी के पास पॉप अप नहीं करना है, कोई
मेरे साथ रेस लगाना नहीं है किसी को, या मेरा कोई ग्रुप नहीं है जो ये कोई रूल है कि यार नहीं यार जी जो 100 110 पर चल, ये मेरा रेगुलर मेरा दोस्तों का बोलना रहता है यार तू एक स्पीड में रहे यार तू स्लो मत कर। एज अ ब्लॉगर मेरा दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ होता है, थोड़ा गाड़ी चलाऊँ तो ऐसा चलाऊँ कि अपने को भी रिलैक्स लगे और चलाने को भी मज़ा आए। तो मैं इसके लिए ज़्यादा भगाने के पीछे नहीं सोचता, मैं पेशेंटली चलाता हूँ। हाँ लेकिन जहाँ पे चांस मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं अच्छा भगा लेता हूँ। मेरा गाड़ी में अभी पावर ट्रेनिंग लगा हुआ है तो बाकी आप लोग समझ सकते हो कि इसमें पिकअप का कोई कमी नहीं है। या ये बार आप लोग मेरे गाड़ी पे नया एक चीज़ दिखाई देगा आपको, वो है जेरी कैन। अब जेरी कैन क्या होता है? जेरी कैन होता है पेट्रोल भरने का कैन जो व्हीकल के साथ अटैच होता है। अब मैं मेरा गोवा से रिटर्न आने के टाइम में मैंने एक चीज़ देखा, 200 किलोमीटर रफली फुल टैंक करने के बाद 200 किलोमीटर रफली में मेरा काटा लाल में पहुंच जाता है। तो उसके बाद रफली मेरा गाड़ी 280 किलोमीटर कुछ ही जाता है। ऐसा मेरा गाड़ी को 30 का एवरेज मिलना चाहिए, 30-32 का एवरेज मिलना चाहिए, लेकिन पावर ट्रेनिंग ऐसा परफॉर्मेंस एक्टिविटी करने की वजह से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 23-24 के ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वैसे भी 10 लीटर 11 लीटर का ही टाकी है, तो जो भी है इसकी वजह से मैंने अभी राइडर मेनिया में गया तो मुझे अच्छा ऑफर में ये जेरिकैन मिला था, मैंने जेरिकैन खरीद लिया था वहाँ पर। अभी 5:45 हुआ है, कल्याण वो अपना कल्याण बिरला कॉलेज के आसपास पहुँच गया अभी 8 से आए। अब यहाँ से सीधा रोड भिवंडी वाला पकड़ेगा, भिवंडी से सीधा निकल जाएगा तो जाके वो वाड़ा क्रॉस करके डायरेक्ट उस साइड में हाईवे पे कनेक्ट कर देगा। तो उसके बाद फिर अपने को वो तरीके से अगर मैं जाऊँ तो मेरे को कोई भी टोल वाला बोलते हैं कोई भी ट्रैफिक वाला जगह नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी अगर मैं थाना से चले जाऊँ तो घोड़बंदर में ट्रैफिक मिलेगा, उधर से ट्रैफिक मिलेगा, ये चला जाऊँ तो ये मेरे को ऑलमोस्ट पूरा ट्रैफिक काट के मुझे बाहर निकाल देगा। दुकान में चला गया था, अभी उसके घर पे जा रहा हूँ थोड़ा देर। यहाँ पे एक 11:30 बजे तक रुकूँगा, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद निकल जाऊँगा, ताकि अभी और 6 घंटे का राइड है तो अहमदाबाद कुछ 300 मेरे जो होटल जहाँ पे बुक किया है वो 333 किलोमीटर है, तो रफली 6-7 घंटा लगेगा। लंच ब्रेक सब पकड़ के 8 घंटे तक जा सकता है, उसके हिसाब से रात के पहले पहुंचना है। मेरे को नाइट ड्राइव करने का कोई प्लान नहीं है इसके लिए। साढ़े 5 बजे निकला था, 9:30 को वलसाड़ पहुंचा। अभी अहमदाबाद का ऑन द वे तो सीसीडी के लिए ब्रेक मारा हुआ है, एक हाफ एन आवर बैठेगा यहाँ पे भी एंड ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। राइडर बनिया कई वीडियोस काफ़ी लेट आया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा काम चालू था, मुझे आने के बाद ये राइड भी था और न्यू ईयर था, सब बहुत काम था तो उसके लिए नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। बट ये एपिसोड अहमदाबाद दिल्ली राइड होगा, ये आप एंजॉय करो और इसके बारे में मुझे इंस्टा पे अपडेट देना, कुछ
अच्छा लगे नहीं लगे तो मुझे बताना। 2020 का प्लान ये है कि मैक्सिमम ब्लॉग्स रहेगा। मतलब एवरेज 130 हो गया है। सीसीडी नवसारी इधर थे, कॉफी ब्रेक ले लिया था। तो लंच अभी करना नहीं, अगर अभी लंच कर लेगा तो फिर मैं अटक जाएगा। Shaky, you play me, you only preach good. Tried to zone me, you owe me, you should've schemed good. Now I got you alright. Hot girl summer, had to put you on ice. Talking on my ear, alright. She just want the Louis, but I got from Off-White, right? Racks under my pillow, now I sleep good. LA onto the choker so she can feed good. And my little babies get whatever they want. If I say it, I mean it, no front. I know, I roll, roll, roll. No drip, this a river, I roll, roll, roll. No. चाय ब्रेक तो बनता है। चार बज गए, 191 किलोमीटर और अहमदाबाद का होटल तक, और नर्मदा ब्रिज के ऊपर टेक्निकल ब्रेक ले लिया था चाय के लिए। बाकी चाय ब्रेक के बाद लंच तो हुआ नहीं है, तो लंच नहीं हुआ है तो चाय ब्रेक तो बनता है। ये जो सामने दिख रहा है ये सेंटर, इसको पॉक बोलते हैं, पॉक पॉक। ये सूरत का एक ग्रेन है, जैसे अपना जवारी रहता है, बाजरा रहता है, वैसी पॉक करके एक ग्रेन है। उसको ये लोग मिट्टी में जैसा सिंगदाना भून के लेते, वैसी ये करके लेते हैं। बाद में लकड़ी से वो एक थैली में एक कपड़े के रोल में डाल के मार के निकाला जाता है कोयले का ऐसा, और उसके बाद उसको सेव के साथ दिया जाता है 150 रुपये में पाव किलो है।
8th of January 2020, मैं अहमदाबाद पहुंच गया by 8:45-8:50 मैं अहमदाबाद पहुंच गया था. जो रूम मिला था वो रूम में चेक-इन नहीं मिला. चेक-इन नहीं मिलने का रीज़न था ओयो का कुछ इशू था और होटल में रूम सोल्ड आउट था. फिर मेरे को शिफ्ट मिल के मैं भी एक दूसरे होटल में आया हुआ है. अच्छा होटल है, नाम भूल गया. काफ़ी अच्छा राइड था, 540 किलोमीटर्स का बहुत अच्छा राइड था. 540-550 कुछ किलोमीटर्स हो गया, बहुत अच्छा गया. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, एकदम नॉर्मल स्पीड में आया. और आप लोग समझ सकते हैं 5:30 को निकला है 8:30, मतलब करीब करीब 14-15 घंटा लगा. तो एक्सपेक्टेड तो 11 आवर्स एज पर गूगल था. तो ब्रेकफास्ट हो सब ब्रेक्स के बाद 15-16 घंटे में पहुँच गया. तो काफ़ी अच्छा फ्रेश हो गया. अभी खाना खाने जा रहा है, पूरा दिन खाना नहीं हुआ है प्रॉपर, तो अभी खाना खाना है पड़ेगा. अभी नीचे जा रहा हूँ, नीचे ही होटल है, 11 o'clock को बंद हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलना. आपको थोड़ा बहुत कुछ मैं अहमदाबाद एक्सप्लोर करूँगा कल इवनिंग में, डे में नहीं, डे में थोड़ा दूसरा काम है वो करूँगा. और 10 तारीख को भी एक मीटिंग है, वो अटेंड होने के बाद में फिर थोड़ा बहुत ब्लॉग होगा. तो आपको day 1 जो आज यहाँ पे एंड हो रहा है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड सो दैट आगे का वीडियोज देखें. और अभी इधर से बहुत सारा जर्नी अभी है, पूरा बाइक रूट है, मोटो व्लॉग करने का मजा ही अलग है. सो बाय बाय.